नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम बघेल की पहल, स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा करवाएगी सरकार। भूपेश सरकार अब स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा करवाएगी। मैदानी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों का बीमा किया जाएगा। स्क्रीनिंग, जाँच या इलाज के दौरान मौत होने पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने 45 ट्रेनों को मिली सहमति। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिक तथा अन्य लोगों की लगातार वापसी जारी है। मुख्यमंत्री बघेल की पहल एवं निर्देशन पर राज्य के बाहर फंसे लगभग 3 लाख लोगों को त्वरित राहत पहुँचाई गई है। साथ ही प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों से समन्वय कर 45 ट्रेनों की सहमति प्रदान की गई है, जिसमें से 23 ट्रेनों से लगभग 32,000 श्रमिकों को वापस लाया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपए रेलवे को कर दिया है। रायपुर में खुले ब्यूटी पार्लर, सैलून व पान दुकान। लॉकडाउन 4.0 में आम लोगों को काफी रियायत मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक एक कर सभी सुविधाओं को बहाल किया जा रहा है। लॉकडाउन शुरू होते ही ब्यूटी पार्लर, सैलून को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए इन्हें खोलने का फैसला लिया है। रायपुर कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक अब शहर में पान दुकान, ब्यूटी पार्लर और सैलून खोले जा सकेंगे। इसके लिए नियम और समय तय कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जोगी की हालत लगातार गंभीर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। राजधानी के नारायणा हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में भर्ती जोगी के ताजा मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका स्वास्थ्य हीमोडायनामिकली स्थिर है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख पार, 24 घंटे में 4,970 नए केस और 134 मौतें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आए हैं। करीब 134 लोगों की मौत हुई है। यवतमाल में बस और ट्रक की भिड़ंत, 4 मजदूरों की मौत, 15 घायल। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज सुबह एक बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। ये प्रवासी मजदूर बस में सवार थे और इन्हें लेकर बस सोलापुर से झारखंड जा रही थी। भागलपुर में ट्रक और बस की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में मंगलवार सुबह ट्रक और बस आमने सामने हुई टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूरों के लिए बसें चलाने पर मुख्यमंत्री योगी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बसों की पेशकश सोमवार को सुबह स्वीकार किया गया, तो पहले योगी सरकार ने बसों की सूची मांगी। इसके बाद अब मंगलवार 10 बजे तक बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवरों के लाइसेंस सहित सभी दस्तावेज लखनऊ डीएम ऑफिस में जमा करने को कहा गया, तो प्रियंका के सचिव ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया। अत्यंत भीषण तूफान में बदल सकता है इम्फान। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को मदद का दिया भरोसा। चक्रवाती तूफान इम्फान के मद्देनजर मौसम विभाग ने 20 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सभी फिशिंग एक्टिविटी को सस्पेंड करने को कहा है। संभावना बताई जा रही है कि तूफान इम्फान 20 मई यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की है। उन्होंने ममता बनर्जी को चक्रवात इम्फान के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने में मदद करने का आश्वासन दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तलाक मांग रही पत्नी ने कहा, अब मैं अपनी असली पहचान अंजना किशोर पांडे पर आ गई हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तलाक मांग रही पत्नी आलिया ने अब अपने असली नाम अंजना किशोर पांडे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं फिर से अपनी असली पहचान अंजना किशोर पांडे पर आ गई हूँ। तुलसी का पौधा अत्यंत ही उपचारक के रूप में वास्तु शास्त्र पे माना गया है, तो आइए अगर आप
अपने घर पे तुलसी रखना चाहते हैं तो उसे घर के उत्तर और पूर्व के कोने पे रखें। अगर उत्तर और पूर्व के कोने पे स्थान नहीं है तो आप अपने छत की बालकनी में उसको रख सकते हैं। अगर बालकनी में स्थान नहीं है तो छत के टेरेस पे उत्तर और पूर्व कोने पे तुलसी के पौधों को रखें और तुलसी पे जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप तुलसी को रखने में ईशान कोण पे आपके पास में कोई स्थान नहीं है तो उसे दूसरे स्थान में पूरब की दिशा पे रख सकते हैं। तो तुलसी का पौधा अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। आइए आप अपने निवास पे तुलसी का पौधा स्थापित।